गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। एक फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज। वो ये पूछ रहा है कि कौन से इंटरवल पर हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लो एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या बताया था, डेरिवेटिव तो हर क्वेश्चन में करना ही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। सो एफ डैश एक्स राइट हियर, पावर आगे एक पावर कम कर दो, 3 to 6x² 3 to 6x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 एंड 7 डेरिवेटिव 0। 6 इसमें से एक कॉमन ले लें, एफ डैश एक्स टेकिंग 6 कॉमन, x² - 1x 6 6 36। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके आप फैक्टर बना लें। तो इसके फैक्टर कितने बने, -3 + 2 - 1 3 2 6। तो -3 + 2 ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो ये एफ डैश एक्स आ गया। क्लियर बेटा, नेक्स्ट स्टेप एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखें 4 क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स। तो कह रहा है कि डेरिवेटिव को पहले 0 के इक्वल लिखना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, इसमें से जैसे हम करते हैं ना, जैसे पिछले वाले टॉपिक में भी क्या है, कुछ वैल्यू उसमें से क्या होते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जो इसके अंदर से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे उसे ही हम क्रिटिकल वैल्यू करेंगे, रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसको 0 के इक्वल लिखते हैं, 6x - 3x + 2 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर दो 0, आइदर दिस ब्रैकेट 0 और दिस ब्रैकेट 0। x - 3 = 0 और x + 2 = 0, तो x = 3 और x = -2। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई है बेटा, ठीक है। अब हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर लिख लें इनफाइनाइट, यहाँ पर लिख लें -∞, यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -∞ तक इसको करते चले जाएं। यहाँ पर पॉइंट है x = 3, 3 वाले पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर दें और x = -2, -2 पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब हमारे पास 3 टुकड़े हो गए, ये पहला टुकड़ा, सेकेंड टुकड़ा और ये थर्ड टुकड़ा, ठीक है। 3 पार्ट हमने इसके बना, 3 ब्रेक कर दिए। अब आपने देखना है कि किस हिस्से में वो प्लस कर रहा है और किस हिस्से में वो माइनस बन रहा है। तो क्या करें, जौन सी ये वाली लाइन है इसको पहले लिखे यहाँ पे 6x - 3x + 2। अब बस आपका काम ये देखना है कि इन हिस्से में प्लस आता है या माइनस आता है। चलो पहले मैं फर्स्ट पार्ट पे करता हूँ, इस हिस्से में काम करो, ठीक है। इस हिस्से में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, -2 है ना -3 -4 -5, जो आपका दिल करे वो पॉइंट सिलेक्ट कर लो। तो इसमें से कोई भी पॉइंट ले सकते, मैं -3 ले लेता हूँ। यहाँ डेरिवेटिव वाले में पुट करना है एफ डैश -3 6, यहाँ -3 -3 -6 -3 और 2 -1, तो ये -, -, +, आ गया 6 6 3। तो इस हिस्से में हमारे पास क्या आएगा, प्लस। अगर मैं यहाँ पे -4 लिखता तब भी प्लस आता, -5 लिख रहा तो भी हमारे पास यहाँ पे प्लस ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करें, इस हिस्से में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो, -1 0 1 2, ठीक है, 1.1 ले सकते हो, 1.2 ले सकते हो, 0.5 ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, पर -2 नहीं लेना, 3 नहीं लेना, -2 और 3 के बीच में लेना है। तो मैं 0 ले लेता हूँ,
सो एफ डैश जीरो सिक्स, एक्स की जगह जीरो लिख दे तो माइनस थ्री, जीरो लिख दे तो टू, तो यहाँ पर ये कितना बन गया नेगेटिव। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्या है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, आप ये दोनों की मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं, तो हमने सिर्फ ये देखना है कि आंसर हमारा प्लस आ रहा है या माइनस, बस। ठीक है, तो इस हिस्से में तो माइनस, लास्ट इस वाले हिस्से में आ जाओ, थ्री से लेकर एन पॉइंट है, इसमें से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, चलो मैं फोर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक्स की जगह फोर पुट कर दो, देखो एक्स की जगह फोर रख दो सिक्स, तो यहाँ पे फोर में से थ्री गया वन, फोर और टू कितना हो गया सिक्स, तो हमारा आंसर किस में आ गया प्लस में, तो इस हिस्से में हमारा आंसर प्लस। अब हम यहाँ पर आंसर लेते हैं, आंसर के अंदर हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लो एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यहाँ पे लिख लें एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इंक्रीज कहाँ पर होगा, जहां पर मैंने प्लस का साइन लगाया वहां इंक्रीज है, और जहां पर हमने माइनस का साइन लगाया वो इंक्रीज, देखो ये वाला हिस्सा। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, तो यहां पे लिखें माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, और देखो प्लस का साइन गिरा, थ्री से लेकर इनफाइनाइट, याद रखें पहले ये लिखना है फिर थ्री से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज ये बार माइनस टू से लेकर थ्री तक, याद रखे स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल, और एक क्लोज्ड ब्रैकेट होती क्लोज्ड नहीं लगानी ओपन लगानी। ठीक है, तो स्मॉल ब्रैकेट लगानी, और यहाँ पर ये दो ब्रैकेट पर इंक्रीज था, तो यहाँ पर आप इधर यूनियन लगा सकते हैं, यूनियन लगा लो एंड लगा दो कोमा लगा दो, एक ही बात है, तो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ठीक है, क्लियर है बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना बेटा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए पार्ट है ऑफ इस एक्सरसाइज का, और जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो ए पार्ट है बी सी और डी, ये ट्राइवर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स ए बी सी डी, ये क्वेश्चन अपने आप कर रहे हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया, बिल्कुल ऐसे कैसे इसके अंदर करते चले जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसमें से एक पार्ट करवा देता हूँ ई पार्ट, इसके अंदर ये क्या है बता रहे कि कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। देखो तो पहले तो डेरिवेटिव कर ले, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, पावर आगे ले आओ एक पावर कम कर दो, थ्री एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिख दो, फर्स्ट ब्रैकेट का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम कर दो, थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और एक्स का वन वर्ग जीरो हो जाएगा। अब सारे के अंदर से जो भी कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन ले लें, एक तो थ्री कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो थ्री कॉमन टू पावर कॉमन, तो इसकी वन पावर रह जाएगी, तो ये टू पावर कॉमन प्लस टू पावर कॉमन थ्री कॉमन, और यहाँ पे सॉरी थ्री आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ थ्री, ये सेकेंड टर्म, यहाँ से टू पावर कॉमन थ्री, तो वन पावर रह जाएगी एक्स माइनस थ्री, यहाँ से थ्री एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स और एक्स टू एक्स, वन माइनस थ्री इज माइनस टू। ठीक है, इस ब्रैकेट में से देखो टू कॉमन आ रहा है, टू कॉमन टू थ्री जो सिक्स हो जाएगा, सिक्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, राइट देयर एक्स माइनस वन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल लिख दो, लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो फॉर क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स, सारा जीरो लिख दो, सिक्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सिक्स से डिवाइड कर दो, आइदर दिस ब्रैकेट जीरो और दिस और दिस, तो एक्स प्लस वन एक स्क्वायर इक्वल जीरो, या एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल जीरो, और
x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देखिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो x इज इक्वल माइनस वन, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल थ्री और x इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर x के हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई है, थ्री। तो फिर से भाई एक लाइन ड्रॉ कर ली जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, देखो एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पर जीरो वन टू थ्री फोर और अप टू इनफाइनाइट माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और यहाँ से माइनस इनफाइनाइट, ये वाले पॉइंट्स लगा लो, पहले माइनस वन ठीक है, फिर ये थ्री और एक पॉइंट ये आया था हमारे पास वन, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट स्टेप और पहले इसमें से यह डेरिवेटिव वाली लाइन लिख लो, एफ डैश एक्स सिक्स एक्स प्लस वन होल स्केयर एक्स माइनस थ्री होल स्केयर राइट हेयर एक्स माइनस वन। पहले इसमें से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं माइनस टू ले लेता हूँ, तो राइट हेयर माइनस टू सिक्स, देखो माइनस टू और वन, माइनस वन माइनस वन स्केयर प्लस वन, माइनस टू लिखो, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस फाइव स्क्वेयर, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, देखो ये माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस रह जाएगा, तो राइट हेयर माइनस, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों के बीच में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो इस हिस्से में से, तो जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखे एफ डैश जीरो, तो यहाँ पर एक्स की जगह जीरो, देखो यहाँ पे से जीरो और वन वन, वन स्क्वायर वन, जीरो में से थ्री गया माइनस थ्री स्क्वायर, जीरो में से माइनस वन माइनस वन, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस तो रहेगा, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो ठीक है, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करो टू, मैं यहाँ पर एक्स की जगह टू पुट कर देता हूँ, देखो यहाँ से राइट है सिक्स, टू और वन थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, टू में से थ्री गया माइनस वन, माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, टू में से वन गया वन, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और इस यहाँ से लेकर यहाँ तक में से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो फोर, तो मैं एक्स की जगह फोर पुट कर देता हूँ, देखो ये सारा रफ है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ प्लस माइनस देखना है बस। तो राइट हेयर एक्स की जगह फोर सिक्स, फोर और वन फाइव, फाइव स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव, फोर में जितने गया माइनस वन स्क्वेयर प्लस वन, और राइट हेयर फोर माइनस वन इज थ्री, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया प्लस। तो लास्ट में हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, एफ एक्स एच इंक्रीज स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और यहां लिखेंगे एफ एक्स एच स्ट्रिक्टली डिक्रीज, इंक्रीज कहां कर रहा है, जहां प्लस है वन से लेकर थ्री और थ्री से लेकर इनफाइनेट तक, राइट हेयर यूनियन, और माइनस माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन एंड माइनस वन टू वन, ठीक है राइट हेयर यूनियन, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। ओके बेटा ठीक है, कुछ ही पूछना चाहे देख लो ध्यान से अच्छे से, ठीक है बेटा ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, ओके थैंक यू।